नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। आज 6 जुलाई है। बात करते हैं झारखंड की प्रमुख 5 खबरों के बारे में। पहली खबर है, रमेश बैस बने झारखंड के नए राज्यपाल, 7 बार सांसद बनने का है कीर्तिमान। जी हां, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की जगह रमेश बैस को राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है। श्री बैस झारखंड के 10वें राज्यपाल होंगे। फिलहाल श्री बैस त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। श्री बैस छत्तीसगढ़ से 7 बार सांसद बनने का कीर्तिमान बनाए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नक्सलियों का होगा सफाया, झारखंड ने केंद्र से मांगे 10 आईपीएस ऑफिसर्स। जी हां, झारखंड में भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की कमी को देखते हुए सिविल सेवा परीक्षा 2020 के माध्यम से चयनित 10 भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का आवंटन झारखंड राज्य संवर्ग में करने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अनुमोदन दे दिया है। आपको बता दें कि भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की कमी से जूझ रहे झारखंड में उग्रवाद उन्मूलन को लेकर आईपीएस अधिकारियों की मांग की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के गिरते ग्राफ के साथ रांची यूनिवर्सिटी भी अब अनलॉक की तैयारी में लग गई है। इसे लेकर शुक्रवार को रांची विश्वविद्यालय के कोविड सेल की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान रांची विश्वविद्यालय के कुलपति कामिनी कुमार के अलावा कई सदस्य ऑफलाइन शामिल हुए। वहीं अधिकतर सदस्य इस बैठक में ऑनलाइन जुड़े। इस बैठक में विभिन्न परीक्षाओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो आप इस वीडियो में देखिए कि क्या सब चर्चा की गई है। विश्वविद्यालय को जो जितना अधिकार मिला हुआ है एग्जामिनेशन का, उसमें क्लियर लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के ही आदेश को हमको पालन करना है। और यूजीसी ने स्टेट गवर्नमेंट को पूरा दे दिया है अधिकार। जितने भी यूजीसी के गाइडलाइन हैं उसको फॉलो करते हुए हमें एग्जामिनेशन लेना है ऑफलाइन। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इंटर सेमेस्टर के एग्जाम्स जो हैं वो मिड सेमेस्टर के आधार पे उनको प्रमोशन मिलेगा, लेकिन एंड सेमेस्टर के जो भी पीजी यूजी या टेक्निकल सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए एग्जामिनेशन लेना है। दैट मीन्स कि हमें ऑफलाइन एग्जाम उसमें कंडक्ट कराना होगा। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची टाटा स्टील समेत इन कंपनियों में 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी, रोजगार पर क्या बोले कल्याण मंत्री चंपई सोरेन। जी हां, टाटा स्टील, जोस्को, यूसील समेत झारखंड की सभी छोटी बड़ी कंपनियों में 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी दिए जाने को लेकर प्रबंधन से नए सिरे की बात की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिकित्सा संस्थान में बदले नियुक्ति प्रक्रिया, 2018 में निकाले गए विज्ञापन रद्द, ऐसे होगी नियुक्ति। चिकित्सा संस्थान सीआईपी में 103 साल बाद नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब संस्थान में मजदूर, माली, हेल्पर सहित मल्टीटास्किंग स्टाफ की बहाली ऑल इंडिया के स्तर की प्रतियोगिता से होगी। अब तक संस्थान में सीआईपी प्रबंधन ही इन पदों पर नियुक्त करता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीआईपी प्रबंधन को पत्र भेजकर कहा कि अब ग्रुप ए की ही तरह ग्रुप बी, सी और डी की बहाली होगी। जो बहाली है वो कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी। झारखंड अपडेट्स में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें।